हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सीए संदीप अरोड़ा आपका वेलकम करता हूँ। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात करी कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो कैसे पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और कैसे कैसे हमारे को चैप्टर हमने करने हैं, तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मतलब इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट हमारी बुक का पहला चैप्टर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। अब जैसे कि आपको पता है हमारे जो बुक का नाम है वो है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट तो आपको पता है क्या है, कंपनी अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा आपने बीकॉम में अगर आपने कर लिए कॉस्ट, उसमें कहीं कॉस्टिंग होता था, कहीं एडवांस अकाउंटिंग एडवांस मैनेजमेंट होता था, कहीं पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था। हमारे जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में कॉस्ट का, कॉस्ट वाली बुक का जो नाम पूरा होता था वो होता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसके पीछे, नाम के पीछे भी कुछ लॉजिक्स होते हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने अपनी मर्जी से दिल किया तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रख दिया, मन किया तो खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी रख दिया, ऐसा नहीं है। दो वो नाम है आपके, जो नाम में दो नाम छुपे हुए हैं, एक है कॉस्ट एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट में क्या होता है कि हमारे जो वैल्यूएशन वाले चैप्टर हैं, वैल्यूएशन मतलब कॉस्ट असर्टेनमेंट वाले चैप्टर हैं, जैसे कि आपको पता है कॉस्ट शीट है हमारा, कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट में हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं कि हमने जितनी भी प्रोडक्शन हुई है साल के दौरान, किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया। अगला चैप्टर हमारा होता था मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं, मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं कि मटेरियल लॉ मटेरियल के ऊपर हमारा कितना खर्चा हुआ, कितने ही हमने कंज्यूम कर लिया, कितना हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ा है, राइट। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता था हमारा लेबर कंट्रोल। लेबर कंट्रोल में हम क्या करते थे, लेबर कंट्रोल में हमारे दो चैप्टर थे, एक था हमारा लेबर टर्नओवर, दूसरा था हमारा रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव। लेबर टर्नओवर में हम क्या करते थे कि हमारी जो लेबर है वो साल के दौरान कितनी एग्जिट कर गई, कितनी एंटर कर गई, उससे हम निकालते थे हमारी लेबर टर्नओवर, वहां पर भी वैल्यूएशन हो रही है। उसका सेकंड पार्ट जो होता था वो होता था हमारा रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव। रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव में हम क्या निकालते थे कि वेजेस हमने कितना पे किया वर्कर को ड्यूरिंग द ईयर, किसी पर्टिकुलर वर्कर को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर को या फिर पूरी फैक्ट्री में हम अपना वेजेस पे करने का मेथड क्या अप्लाई करते हैं अपने वर्कर्स को फैक्ट्री में। हो सकता है एक इंडस्ट्री वाले कुछ टाइम रेट मेथड यूज करते हो, दूसरा पीस रेट यूज कर रहे हो, कोई अपना हाल से कोई रोमन, राइट। तो मतलब क्या है, वहां पर भी क्या हो रहा था, वैल्यूएशन, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कैलकुलेशन। एक और चैप्टर हमारा होता था ओवरहेड कंट्रोल। ओवरहेड कंट्रोल में हम क्या करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड जो हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जो हुए हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिसको आपको याद होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर हमारा होता था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम क्या करते थे, देखते थे कि साल के दौरान किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, राइट। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये सभी के सभी चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कॉस्ट होता है, इसको हम कॉस्ट इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि आप प्लस वन से करते आ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है क्या है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। हाँ और ना में डिसीजन लेना, यस और नो में डिसीजन लेना कि हमें यह काम करना है कि नहीं करना, ये प्रोडक्ट हमें कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, राइट। वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जी। जैसे कि अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे कौन से चैप्टर आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे चैप्टर आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सारे चैप्टर हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के पार्ट में आते हैं, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट में आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, कि हमें अब आप बजटरी कंट्रोल के थ्रू क्या जानना चाहते हो, बजटरी कंट्रोल के थ्रू जानना चाहते हो, एक बजट बनाना चाहते हो। अब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर हमारे कोई स्टेट लेवल पे जो हर साल बजट आते हैं, अब बजट में क्या तय किया जाता है कि हमें इस सेक्टर पे कितना पैसा खर्च करना है,
राइट। फिर अगले साल, अगले साल नेक्स्ट ईयर देखा जाता है कि साथ साथ कि हमने जो बजट बनाया था उसके ऊपर कितने की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, उससे जो पैसा खर्च करने से बजट जो हमने बनाया था उसके ऊपर उसके लिए पैसा निकाला, वो पैसा जो निकाला वो किस हद तक खर्च हुआ, राइट। बजट बनाने का हमारा सबसे बड़ा, जैसे मान लो हमारे बिजनेस में ही आ जाओ, अगर बिजनेस में ही अगर हम देखें, हमने परचेज बजट बनाया, परचेज बजट क्या बनाया कि हमारे को उम्मीद है कि हमारी इतनी बजट परचेज हमारी साल के दौरान एक्सपेक्टेड हो जाएगी, एक्सपेक्टेड सेल इतनी हो जाएगी, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, मतलब ये सारे के सारे बजट हमारे किस में मदद करते थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, डिसीजन मेकिंग में। इसलिए हमारे इस सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और सेकंड पार्ट जो हमारा 40 मार्क्स का है उसका नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। और जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो है 60 मार्क्स का, राइट। तो इसलिए ये जो हमारा 40 मार्क्स का पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें हम दोनों चीजें करने वाले हैं, दोनों चीजें करने वाली हैं अच्छे से, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो कॉस्ट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट की जो एक नाम है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नाम होता है जी कॉस्टिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटेंसी, राइट। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में पहले कभी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं की, कॉस्टिंग नहीं करी, उनको ये सोचने की बात नहीं है कि सर ने इंट्रोडक्शन में तो सारी बुक का नाम ले लिया, वो मैंने इसलिए लिया, जिन्होंने किया हुआ है उनको पता लग जाएगा, याद आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप सुनिए। साथ साथ अब मैं जो चैप्टर करवाऊंगा वो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं करवाता कि आपको पहले आता है कुछ भी, हम इस तरीके से करवाते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको इसके सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं 1-to-1 आपको ब्रीफ नॉलेज, एक अच्छे तरीके से नॉलेज, एक कंप्लीट नॉलेज देना देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे क्या है आपको बिल्कुल एक आप एग्जाम के पैटर्न से भी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं और आपको उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज भी हो जाए, राइट। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा जो कॉस्ट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन नाम से डिवाइडेड है। पहला है कॉस्टिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटेंसी, राइट। कॉस्टिंग सबसे पहले हम बात करेंगे, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड प्रोसेसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट, दीज टेक्निक्स कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब क्या है, कोई भी चीज है, कॉस्टिंग है क्या चीज, पहले हम बड़े आराम से सिंपल तरीके से बात करते हैं। कॉस्टिंग होती है कैलकुलेशन का काम, कॉस्टिंग क्या चीज होती है कि आप कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, मेरी क्लास देख रहे हो, अब आपके पास हाथ में एक कॉपी होगी, एक पेन होगा, कैलकुलेटर होगा पास में, इस चैप्टर में तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मान लीजिए है आपके पास कैलकुलेटर पड़ा है, कैलकुलेटर की अब जो कंपनी है सिटीजन है, ठीक है, सिटीजन ने कैलकुलेटर बनाने की सोची। अब कैलकुलेटर के दौरान उनका जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया, कैलकुलेट किया कि सर हमारा जो ये कैलकुलेटर है इसके ऊपर मटेरियल इतना खर्च होने वाला है या इतना होगा, लेबर इतनी होगी, इसके ऊपर अदर एक्सपेंसेस इतने होंगे, ठीक है, तो ये क्या है, मटेरियल इसके ऊपर कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, अदर ओवरहेड्स कितने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक है ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। जैसे कि मैंने अभी अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमने मटेरियल कंट्रोल चैप्टर में क्या करना है, मटेरियल में हमने याद होगा तीन टॉपिक होते थे, पहला लेवल ऑफ सेटिंग, दूसरा ईक्यू, तीसरा इन्वेंटरी वैल्यूएशन, दैट इज स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे साल के दौरान हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, और बैलेंसिंग फिगर आता था रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर,
उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते थे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज मेथड, राइट। वो क्या था? वो कोस्टिंग थी, राइट। लेबर के जो रेमुनेशन इंसेंटिव मेथड यूज करे, रेमुनेशन के इंसेंटिव, रेमुनेशन और इंसेंटिव के डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करे, वो क्या था? वो हमारा कोस्टिंग था। कि डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं फॉर असर्टेनिंग द कोस्ट, राइट। जैसे पहली लाइन से ही आप देख सकते हो कोस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है और प्रोसेसेस है ऑफ असर्टेनिंग द कोस्ट, राइट। और दीज टेक्निक्स कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग द कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब क्या है, कोस्टिंग क्या करती है, कोस्टिंग में क्या क्या होगा, प्रिंसिपल और प्रोसीजर दोनों होंगे जिसके बेस पर हम क्या करेंगे, कोस्ट को असर्टेन करेंगे, राइट। द टेक्निक्स टू बी फॉलो फॉर द एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच सच एन एनालिसिस शुड बी रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब एनालिसिस के बेस पर हम क्या करेंगे, कोस्ट एनालिसिस करेंगे और हो सकता है कोस्ट असर्टेनमेंट करेंगे, हो सकता है जो मेथड है, टेक्निक है, वो डिफरेंट हो सकती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कोस्ट को असर्टेन करने की जो टेक्निक है, मेथड है, प्रोसीजर है, वो हो सकता है डिफरेंट हो फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जुड़ी नहीं है कि सभी इंडस्ट्री में वही मेथड, वही टेक्निक यूज हो, डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। तो नंबर वन हमारा क्या हुआ, कोस्टिंग। कोस्टिंग क्या है, कोस्ट असर्टेन करने का प्रोसेस, प्रोसीजर, टेक्निक, राइट। उसके बाद नंबर दो है अकाउंटिंग। नंबर दो है हमारी कोस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप शुरू से करते आ रहे हो, प्लस वन से। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, लिखना, ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग मे बी रिगार्डेड एज अ स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कोस्ट। एक लाइन में ही पूरा क्रक्स दिया हुआ है कि आपको कोस्ट अकाउंटिंग से मतलब क्या है। कोस्ट अकाउंटिंग से मतलब है हमारा, एक जब हमने असर्टेनमेंट कर ली, आपने पता कर लिया कि इस पेन को बनाने के लिए आपका इतना मटेरियल होगा, इतनी लेबर खर्च होगी, इतने एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे। अब आपने उसको क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको क्या किया, आपने क्लासिफाई कर लिया। जैसे कि आपको याद होगा अकाउंटिंग में, क्योंकि सभी बच्चे प्लस वन पास बैठे हुए हैं, अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर देते थे। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एसेट को भी आगे हम क्या कर देते थे, क्लासिफाई कर देते थे। कैसे क्लासिफाई कर देते थे, ये हमारी जी क्या है, फिक्स एसेट है। फिर आगे फिक्स एसेट को भी सब क्लासिफाई कर देते थे, ये हमारी क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट है, और ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। फिर करंट एसेट जी, करंट एसेट, करंट एसेट में ये हमारी एसेट्स है जी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हम बना देते थे, कौन सी, फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब क्या है, वहां पे हम एसेट्स को, एक्सपेंडिचर को भी क्या करते थे, सभी चीजों को क्लासिफाई कर देते थे। ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही सेम कोस्ट में भी क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कैसे, ये हमारे जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। अब जो वेरिएबल है, इसकी भी सब क्लासिफिकेशन है। वेरिएबल में एक फुली वेरिएबल, एक सेमी वेरिएबल। मतलब कुल मिलाके अकाउंटिंग में काम क्या होता है, जो आपने कोस्टिंग करी, कोस्टिंग में आपने क्या किया, कैलकुलेशन करी, असर्टेनमेंट करी, टेक्निक लगा के, प्रोसीजर लगा के, रूल लगा के आपने क्या किया, कोस्ट कैलकुलेशन करी, कोस्ट असर्टेनमेंट करी। फिर आपने उसको क्या किया, लिखने में जोर दे दिया, राइट। दैट इज कॉल्ड कोस्ट अकाउंटिंग। उसको आगे फिर क्लासिफाई कर दिया, सब क्लासिफाई कर दिया। और किस लिए हम लिखते हैं, कहते हैं हम किस लिए लिखते हैं, कंट्रोल ऑफ कोस्ट के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए, असाइनमेंट के लिए और कोस्ट कंट्रोल के लिए। अब देखिए आप लोग क्या करते हो, शुरू से लेकर अब तक, जब से भी आप पढ़ाई कर रहे हो से लेकर अब तक,
आपने जितना भी आप लोग पढ़ते हो साथ साथ मैडम हर टीचर आपको, चाहे वो आपकी कोचिंग में है चाहे आपके स्कूल कॉलेज में है, वो जरूर आपको कहते हैं कि लिख के जरूर देखो जी। लिख के देखने का कारण क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, मेरे को कितनी चीज़ें याद हैं कितनी चीज़ें भूल गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे को याद हैं कहाँ कहाँ पर मैंने गलतियाँ करी हैं। फिर आपको फिर उसी चीज़ पर आप लिख लेते हो। आप अपनी कापी पर अपनी बुक पर नोट्स क्यों बनाते हो? आपकी नोटबुक पे, आपकी बुक्स पे नोट बनाने का आपका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो कारण ये होता है कि आप चाहते हो कि मुझे मेरी गलतियां पता लगे। टेस्ट सीरीज देने का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना कि आप जानना चाहते हो सर कि मैंने कहां कहां पे गलती करी है। तो यहीं पर ऐसे ही यहां पर भी हम क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट अकाउंटिंग एज क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड फॉर द प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सूटेबली अरेंज डेटा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्टिंग इन द सेंस दैट, कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंट है कॉस्ट कॉस्टिंग से, और द फॉर्मर प्रोवाइड्स ओनली द बेसिस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ क्या बताती है, कॉस्टिंग क्या बताती है कि क्या बेसिस पे आपको कॉस्ट असर्टेन करनी है, कैलकुलेट करनी है, राइट? तो चलिए थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या है, पहले आपने क्या किया, पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, असर्टेन कर ली, फिर आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। किसके लिए? कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, उसको सब क्लासीफाई करने के लिए। पहले आपने कॉस्ट असर्टेनमेंट करी, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। फिर आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर असली टाइम आया किस चीज का, अकाउंटेंसी का, कॉस्ट अकाउंटेंसी, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो किस चीज में मदद करता है आपको। जब तक ये नहीं पता होगा कि मैंने प्रोडक्ट एक्स बनाना है या वाई बनाना है, फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, पतंजलि योगपीठ जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, उसको लगता है कि यार ये मेरे जो 10 प्रोडक्ट हैं इसमें जो है कैपिटल तो बहुत हाई इन्वेस्टेड है, कैपिटल तो बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टेड है, पर इसकी जो देखा जाए रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी की, जो हमारे को ये रिटर्न दे रही है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट अदर प्रोडक्ट, वो हमारे को इतनी नहीं दे रही। तो फिर वो मैनेजमेंट को बुलाती है, मीटिंग करती है, तो वो ओवरऑल डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है इन प्रोडक्ट का, इनमें से किन प्रोडक्ट को हमने इम्प्रूव करना है, किसको गेम से आउट कर देना है, राइट, किसको बाहर निकालना है और किसको रखना है, किस कहां पर कौन से सेक्टर में कौन से प्रोडक्ट में हमारे को इम्प्रूवमेंट करने की कुछ गुंजाइश है या नहीं है, और किस प्रोडक्ट को हमें रखना चाहिए, किस प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। That is called cost accountancy. वो cost accountancy कैसे होगी? Cost accountancy सिर्फ तभी होगी अगर आपको cost पता है, फिर आपने उसको record किया हुआ है। मतलब cost accounting plus costing के बिना accountancy नहीं होती। मतलब decision तो आप तब लोगे ना अगर आपने test दिया है, आपने आपने अपना पढ़ाई करी, paper दिया, फिर आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देने के बाद ही आपको पता लगेगा कि भाई मैंने कहाँ पे गलती करी है, मेरे को कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मेरा तो यार ये वाला चैप्टर वीक है, ठीक है, मेरा तो ये वाले पॉइंट में मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा। आप अपनी तरफ से ही धारणा बना लेते हो, परसेप्शन बना लेते हो कि सर ये वाला टॉपिक बड़ा मुश्किल है, ये वाला चैप्टर बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल और मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है, राइट? ऐसे ही अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल है एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट।
मतलब अकाउंटेंसी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वो क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करना चाहते हैं प्लस उसको सॉरी कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं प्लस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है अकाउंटेंसी का। तो ये हमारे जो सबसे मेन टॉपिक तीन थे स्टार्टिंग के, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, तीनों हो गए कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंटेंसी, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? पहले हमने पहले तीन टर्म्स करे, उसके बाद आए हम किस पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनालाइज एंड क्लासीफाई ऑल एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस। कहते हैं एनालाइज करना और क्लासीफाई करना सभी एक्सपेंडिचर्स को। एनालाइज करना कि भाई किस प्रोडक्ट पे, किस ऑपरेशन पे कितना खर्चा हुआ है, कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी है, सब कुछ हम क्लासिफाई करना चाहते हैं और एनालाइज करना चाहते हैं, राइट। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कि भाई ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एवरी यूनिट के ऊपर, एवरी जॉब के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, सर्विस के ऊपर कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, किसकी, हर एक यूनिट की, हर एक प्रोसेस की, हर एक सर्विस की, हर एक ऑपरेशन की, हर डिपार्टमेंट की, हम जानना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। हमारा ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। थर्ड क्या है, टू इंडिकेट टू द मैनेजमेंट एनी इनएफिशिएंसीज एंड एक्सटेंट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ वेस्ट वेदर ऑफ मटेरियल टाइम एक्सपेंसेस और इन द यूज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड टूल्स। मतलब हम मैनेजमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं कि भाई अपनी जो कंपनी है, हमारी जो डिपार्टमेंट है, हमारी जो फैक्ट्री है, उसकी इनएफिशिएंसीज क्या हैं, और बताना चाहते हैं कि किस हद तक हमारे क्या है, वेस्ट है, किस हद तक हमारा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, किस हद तक हमारे टाइम वेस्ट हो रहे हैं, किस हद तक हमारे एक्सपेंसेस वेस्ट हो रहे हैं, राइट। और यूज ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, इन सब के बारे में, वेस्टेज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो मशीनरी है यूज हो रही है इतने के लिए, पर इसका हम एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है अब कई इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। अगर आप फिक्स खर्चों को अगर कम कर दें तो आपकी जो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। कैसे, अगर आप सिंपल सी एग्जांपल लो, हम या एक कोई बिजनेस यूनिट है, वो क्या करता है, उसका फिक्स खर्चा मंथली जो है, मंथली का जो रेंट है वो है 1,00,000 रुपये। मंथली रेंट जो है 1,00,000 रुपये है और उसकी आउटपुट क्या है मंथली, सिर्फ 1,000 यूनिट। मंथली आउटपुट जो है वो है 1,000 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो फिक्स कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट उसे पर यूनिट पे पड़ रही है, वो कितनी पड़ रही है, 100 रुपये। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है उसको, 100 रुपये। अगर अब वो प्रोडक्शन बढ़ा के 10,000 कर दे, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 1,00,000 और आउटपुट क्या कर दे वो 10,000 कर दे, तो उसकी क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी घट के आ गई, 10 रुपये आ गई। उसके बाद अगर वो आउटपुट अपनी क्या कर दे, सीधा 1,00,000 यूनिट कर दे, 1,00,000 यूनिट आउटपुट कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ 1 रुपया रहेगा। मतलब उसकी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती गई वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे जाती गई।
मतलब क्या हुआ कि वो अपने मैनेजमेंट को इंडिकेट करना चाहेंगे कि भाई सर, अगर इस मशीनरी का, अगर इस चीज़ का हम भरपूर इस्तेमाल कर लें, अगर हम इस चीज़ पे फोकस कर दें तो हमारी इनएफिशिएंसीज रिड्यूस हो सकती हैं। हम लिख के हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी जो इनएफिशिएंसीज हैं कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर हमारे को संभावनाएं हैं कि हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डेटा फॉर द पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड ऑल्सो अकाउंट बैलेंस शीट एट सच इंटरवल्स। कहते हैं हम डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं, डेटा प्रोवाइड करने के लिए जो साल की क्वार्टरली एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो भी हमें चाहिए, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्चुअल फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फॉर कंपेरिजन विद एस्टिमेट्स एंड टू सर्व एज ए गाइड फॉर द फ्यूचर एस्टिमेट और कोटेशन एंड टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन देयर प्राइस फिक्सिंग पॉलिसी। कहते हैं हम एक्चुअल फिगर को कंपेयर करना चाहते हैं एस्टिमेटेड के साथ, स्टैंडर्ड के साथ, जो अंदाजा लगाया होगा कि भाई हमारा खर्चा तो सर इतना आ सकता था, हमारा खर्चा इतना आ सकता था, एक्चुअल में आया खर्चा इतना। अब हम उसको कंपैरिजन करेंगे और पूछेंगे कि भाई बढ़ कैसे गया, ये तो हमारा खर्चा इतना आना चाहिए था, हमने सोचा कि भाई ये प्रोडक्ट को, एक पेन को बनाने के लिए ₹5 का कॉस्ट आना चाहिए था, जब ₹5 का इसका सेलिंग प्राइस है, हमारी कॉस्ट जो है ₹4 से ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, अंदाजा भी है कि ₹4 आएगी पर आपकी कॉस्ट आ गई ₹4.20। अब ₹4.20 आई तो हम कैसे कंपैरिजन किया एस्टिमेटेड को एक्चुअल फिगर के साथ, वो किसकी मदद से, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से, राइट। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि हम क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट है टू रिकॉर्ड द रिलेटिव प्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन यूज एज ए बेसिस फॉर एग्जामिनिंग इट्स एफिशिएंसी। ए कंपैरिजन विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ मशीन मे सजेस्ट द नेसेसिटी फॉर रिप्लेसमेंट। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं एक मशीन की दूसरी टाइप ऑफ मशीन के साथ कि भाई किसी को रिप्लेस करने की जरूरत तो नहीं है, राइट। तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कॉस्टिंग एज एन एड टू द मैनेजमेंट। कहते हैं कॉस्टिंग क्या करती है, मदद करती है किसकी, मैनेजमेंट की। कॉस्टिंग क्या करती है, मदद करती है मैनेजमेंट की। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल एड टू द मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड डिटेल कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू इनेबल देम टू मैनेज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर स्टोर एंड इन्वेंट्रीज एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू चेक द वेस्टेज एंड लॉसेस। तीन मोटी मोटी लाइनें लिखी यहाँ पर। कहते हैं ये क्या कॉस्टिंग क्या करती है, इट प्रोवाइड डिटेल कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। जो कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन थी वो कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें क्या करी, प्रोवाइड करी। किस लिए प्रोवाइड करी, नंबर एक टू मेंटेन द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द स्टोर एंड इन्वेंट्री। हम कॉस्टिंग ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि मटेरियल हमारा इतना खर्च होगा, ये वाला मटेरियल इतना, ये वाला इतना, ये वाला इतना, राइट, और इतना हमारे पास पड़ा है। नंबर एक, मेंटेन द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री एंड स्टोर्स। नंबर दो हमारा क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या चाहता है, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है। नंबर तीन, चेक द वेस्टेज एंड लॉसेस। वेस्टेज एंड लॉसेस के बारे में जानकारी देना चाहता है कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राइट। द वेरियस एडवांटेज डिराइव बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम ए गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग आर एज फॉलो। अब कहते हैं कॉस्टिंग से हमें ये तरीके के मदद मिलती है, जो अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम है उससे हमें इस टाइप की फायदे मिलते हैं। नंबर एक क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन पीरियड ऑफ ट्रेड डिप्रेशन
एंड ट्रेड कंपटीशन, कहता है ये डिप्रेशन के टाइम पे और कंपटीशन के टाइम पे ये हमारी क्या करता है, मदद करती है। नंबर दो क्या है, मदद करती है प्राइस फिक्सेशन में, मतलब प्राइस फिक्स करने में कि हमने आगे क्या है कोटेशन देनी है, उसकी प्राइस फिक्स करना है, या फिर प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च करना है, उससे पहले लाने से पहले प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, जिससे जिसके थ्रू हम क्या करें एडवर्टाइज कर पाए अपने प्रोडक्ट को कि हमारा प्रोडक्ट इतने का आने वाला है, राइट। तो प्राइस फिक्सेशन के लिए मदद करता है, हेल्प्स इन मेकिंग द एस्टीमेट, एस्टीमेट बनाने में मदद करता है, हेल्प्स इन चैनलाइजिंग द प्रोडक्शन ऑन राइट लाइन, एलिमिनेट द वेस्टेजेस, वेस्टेज एलिमिनेट करने में मदद करता है, कंपैरिजन को पॉसिबल कर देता है, आपके पास रिकॉर्ड है उसकी मदद से आप क्या है कंपैरिजन कर सकते हो, डेटा प्रोवाइड करता है पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एंड एनहांसिंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है कि आप किस परसेंट किस एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो और उसको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी मदद करता है, राइट। ये हमारे मेन जो मोटे मोटे मेन मेन हमारे जो अपना जो हेल्प्स होती थी किसकी, मैनेजमेंट की, किसके थ्रू, कोस्टिंग के थ्रू। उसके अलावा क्या है क्रेडिट एज एन कोस्टिंग जो है एज एन एड टू द क्रेडिटर को भी मदद करता है, हमारे एम्प्लॉई के तौर पे भी मदद करता है, इकोनॉमी के लिए भी मदद करता है। अब ये मदद कैसे करता है कि एम्प्लॉई के लिए कैसे करता है, हमारे को पता लग जाएगा कि हमारे को कौन सा मेथड एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू हमारी कैसे मदद करता है कि हमारे को पता लग जाएगा कि हमारे को कौन सा मेथड रेमिशन इंसेंटिव का मोस्ट सूटेबल रहेगा हमारे लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी, जिससे हम कौन सा जो रेमुनेशन इंसेंटिव का टेक्निक यूज़ किया जाए, मेथड यूज़ किया जाए, जिससे क्या है हमारा जो स्टाफ है हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी खुश हो जाए और हम भी प्रॉफिटेबल रहें, राइट। और इकोनॉमी के लिए भी मददगार साबित होता है, अगर हम प्रॉफिटेबल होंगे तो हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, हम कुछ टैक्स पे कर पाएंगे, राइट। तो मतलब कुल मिला के हमारे ये इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके ऊपर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही काफी कुछ बता दिया इसके बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, राइट। कहते अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन अंडर एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक, एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट इन प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक डेटा ऑफ एन एंटिटी टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन एस्टेब्लिशिंग प्लान फॉर द रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड इन मेकिंग ऑफ रेशनल डिसीजन विद ए व्यू टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, हम क्या करना चाहते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्निक की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, किसके लिए, इन प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा, जो लास्ट पिछला डेटा था और जो अगला डेटा है उसके लिए। अब देखो ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग किसके बेस पर होगा, आपके पास जो पिछला डेटा था, आपने पिछले 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी उठाई, एक्सपेक्टेड अगले साल की प्रॉफिटेबिलिटी उठाई, उसके बेस पर आपने डिसीजन लिया। आपने कोई मशीन है, कोई मशीन के बारे में डिसीजन लेना है, मशीन के बारे में डिसीजन लेना है, आप देखते हो कि पिछले 3 साल का क्या रिकॉर्ड था, 3 साल यूज़ हो चुकी है, फिर आपको उम्मीद है कि अगले 2 साल चल सकती है या 3 साल चल सकती है। अब आप देखते हो कि अगर यार ये मशीन पुरानी वाली बेच के मैं नई वाली मशीन ले आऊं, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे, अगर मैं ये वाली पुरानी बेच के नई वाली खरीदता हूं तो मुझे कितना खर्चा होगा, या फिर पुरानी वाली को मैं रिपेयर करके मैं इसी को ही कंटिन्यू रखूं तो मुझे क्या खर्चा होगा जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होने वाले हैं मेरे,
मतलब कुल मिला के मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा खर्चा कितना हुआ, मतलब मैंने डिसीजन किस बेस पे लिया, एक्सपेंडिचर के बेस पर, राइट। तो मतलब क्या है, हम पिछले और अगले, पास्ट और फ्यूचर के डेटा के बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीमा लंडन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंसर्न आइडेंटिफाइंग प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन यूज फॉर, कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट की, ठीक है जी, किस लिए, विद आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, किसको, इंफॉर्मेशन जो यूज हो रही है किसके लिए, इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा रही है किसके लिए, फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन किस लिए हम बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ना हम, और प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटी, प्लानिंग करने के लिए कि ये वाला प्रोजेक्ट रखना है कि नहीं, ये वाला प्रोडक्ट आगे कंटिन्यू रखना है कि या इसको एग्जिट कर दे, ये वाली मशीन लानी है कि नहीं लानी, डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब हमारी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो तो ज़्यादा है, अब उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए जिससे हमारे जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो नीचे आ जाए, कम हो जाए। डिस्क्लोजर टू द शेयर होल्डर एंड अदर एक्सटर्नल टू द एंटिटी, डिस्क्लोजर टू द एम्प्लॉई एंड सेफ गार्डिंग द एसेट, ठीक है जी, हम क्या करना चाहते हैं, अपने शेयर होल्डर को और अदर एक्सटर्नल को डिस्क्लोजर देना चाहते हैं, और मतलब अपने स्टेक होल्डर्स को डिस्क्लोजर देना चाहने के लिए हमारे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत होती है, डिस्क्लोजर देने के लिए एम्प्लॉइज को, और लास्ट में अपनी एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, ये तो थी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये जो अगला क्वेश्चन है जी, मैं आपके सेल्फ के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल है, आप इसको पढ़ के अगर आपको कुछ इसके में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको सिर्फ सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कोस्टिंग के, चाहे पेपर में आते हैं चाहे नहीं आते, पेपर में चाहे एक नंबर का भी ना आता हो, पर मेरा मेन जो मोटिव है वो क्या है, आपको सभी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने वाला हूँ कि कॉस्ट के बारे में जितने भी टर्म्स, जैसे देखो ना, आप कोई भी एक्ट करते हो, लॉ करते हो, कंपनी लॉ आपने किया, कंपनी लॉ में आपने हर चीज की पहले डेफिनेशंस पढ़ी होगी, डेफिनेशंस क्यों पढ़ी होंगी, क्यों, वो डेफिनेशन बार 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 आपके पूरे सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाली है, तो आप अगर उसको देखते हो, अगर आप उसको डेफिनेशन ही नहीं आपने पढ़ी होंगी तो वो आपके आगे जाके कहीं ना कहीं बार 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 जब यूज होंगी तो आप परेशान हो जाओगे, यार ये वर्ड है क्या, राइट। ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर है कि जब तक मैं आपको ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता दूंगा कि आपको ये कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो आप सेम मानोगे, मानोगे चलोगे ये सेम ही है, आगे जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है वो भी आप टॉपिक मान के चलोगे यार ये तो सेम ही होता है, सेम ही चीज है, तुक्का मारोगे, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे आ गया हूं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। सबसे पहले हम करेंगे प्राइस क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, साथ साथ इसके जो नोट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर, प्राइस क्या होता है, प्राइस और दूसरा वर्ड है कॉस्ट। अब प्राइस क्या है, हम मतलब एज ए अगर कस्टमर की बात करें, जब हम कस्टमर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसके लिए हमने जो अमाउंट पे किया, जो कीमत चुकाई, दैट इज कॉल्ड प्राइस। हमने, मैं दुकान पे क्या बुक परचेज करने गया, वो बुक का प्राइस था 1000 रुपीज, मैंने उसको कहा कि सर इतने रुपए की सर डिस्काउंट दीजिए, तो उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया मुझे, तो वो बुक मुझे 900 की पड़ गई, मतलब मैंने उस बुक के लिए कितना अमाउंट पे किया, 900, दैट इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस मतलब जो वर्ड है, टर्म है, वो प्राइस टर्म किसके पॉइंट ऑफ व्यू है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू,
कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू ये टर्म है। प्राइस क्या है? जो अमाउंट पे की गई है किसके द्वारा? कस्टमर द्वारा। कस्टमर द्वारा किसको? सेलर को। कस्टमर द्वारा, कंज्यूमर द्वारा, हो सकता है वो एंड यूजर कंज्यूमर हो, कंज्यूमर द्वारा जो गुड्स पे की गई है किसको? सेलर को, दैट इज कॉल्ड प्राइस। दूसरा वर्ड क्या होता है? कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज है? आपको एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, आप इस बार कौन हो? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, प्रोड्यूस करने की जो पैसा खर्च हुआ है, आपकी जेब में से जो पैसा गया है वो क्या है? कॉस्ट। ये जो है कॉस्ट टर्म है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू है? कॉस्ट जो टर्म है वो हमारी इसके मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। तो चलिए, प्राइस क्या होता है, डिफरेंस बता देते हैं दोनों में। प्राइस क्या है? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। और कॉस्ट क्या होती है? जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है किसके लिए? प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए या रेंडर करने के लिए, राइट। नंबर दो, कॉस्ट प्राइस क्या है? इट इज असर्टेन एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। ये असर्टेन किस लिए होती है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू। और कॉस्ट किसके, मैंने आपको बताया असर्टेन किसके पॉइंट ऑफ व्यू है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। थर्ड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ऑन कस्टमर और टाइम बेसिस। अब देखो ना, प्राइस की किस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने दुकानदार से जाके डिस्काउंट मांग लिया कि सर डिस्काउंट तो बनता है, तो उसने डिस्काउंट दे भी दिया। एक दूसरा कस्टमर आया दो मिनट बाद, उसने कहा कि बुक कितने की है? उसने कहा 1000 की। शॉपकीपर ने बोला 1000 की। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब उसका कोई और जानकार आ गया, वही बुक हो सकता है उसने 750 की दे दी हो, 20% 25% 30% डिस्काउंट पे दे दी हो, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्चुअली में सही सेंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ, कहते हो सकता है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्राइस हो, सेम चीज का हो सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको जानकारी हो कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, जैसे हमारे पंजाब में PSPCL है, PSPCL क्या करती है? जो डोमेस्टिक यूजर हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कुछ और होता है पर यूनिट का, और जो कमर्शियल यूजर हैं उसके लिए कुछ और होता है, और दूसरा जो SEBC कास्ट वाले हैं उनके लिए कुछ और पर यूनिट कॉस्ट होता है। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, डिफरेंट हो सकता है ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए, हो सकता है डिफरेंट पीपल के लिए, और डिफरेंट टाइम पे भी हो सकता है अलग अलग प्राइस हो। कि सीजन में अगर हम किसी और की अगर बात करें, कहीं और इंडस्ट्री में एग्जांपल लें, तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी है, किसके केस में? प्राइस के केस में। और कॉस्ट में क्या है? असर्टेन होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल। कॉस्टिंग में भाई क्यों डिस्क्रिमिनेशन होगा? कॉस्टिंग में तो हम मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर अपने तरीके से ही कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कि सर ये अपने लिए ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो किसी को बताने थोड़ी ना वाला है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, अपनी एक मैनेजमेंट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए वर्ड ये ध्यान में रखेगा, राइट। तो अगला क्या है हमारा? अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है और पीरियड कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक पैसा खर्च हुआ, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए पैसा खर्च हुआ, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट किस लिए वर्ड यूज किया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो वर्ड यूज किया जाता है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, जो अनसोल्ड क्वांटिटी है, जो अनसोल्ड क्वांटिटी है आपकी, आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, गुड्स प्रोड्यूस किए, कुछ आपने बेच दिए, कुछ आपके अनसोल्ड हैं, अब जो अनसोल्ड क्वांटिटी है उसकी वैल्यूएशन के लिए, उसको बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है,
राइट। इसमें जो है, इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, इसमें जो खर्चे आते हैं अप टू फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हम और क्या बोल देते हैं, फुल फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं। अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट विच बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, मतलब कहाँ तक, अप टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट तक कौन कौन सी जाती हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां तक सारे खर्चे ऐड होंगे। उसके बाद कहते हैं दीज आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक वैल्यूएशन, दे आर ट्रीटेड एज एन एसेट टिल द गुड्स टू विच दे आर असाइन आर एक्चुअली सोल्ड। कहते हैं जब तक ये एक्चुअली सोल्ड नहीं हो जाती तब तक ये क्या है, हमारे बैलेंस शीट में, हमारी एसेट में, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड रहने वाली हैं, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद आते हैं जी पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में जो खर्चे होते थे वो सारे डायरेक्ट होते थे, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द किसके हैं, प्रोडक्शन है। दूसरे क्या हैं, दूसरे हैं हमारे पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होती है, कहते हैं पीरियड कॉस्ट वो है जो टाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब जिसका डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्टली किसके साथ लेना देना है, टाइम पीरियड के साथ। मतलब कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होते हैं। मतलब जैसे कि रेंट है, इंश्योरेंस है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई है, इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है सीधे सीधे। हाँ इतनी बात सही है कि भाई अगर आपके पास रेंट नहीं होगा, अगर आप रेंट पे नहीं करोगे, अगर आप रेंट पे नहीं करोगे, अगर आप सैलरी पे नहीं करोगे, तो उसके आप, उससे आपकी इनकम जनरेट कैसे होगी। मतलब इनकम जनरेट करने के लिए ये खर्चे मैंडेटरी हैं, राइट। पर ये डायरेक्टली सीधे सीधे एसोसिएट नहीं है किसके साथ, हमारी प्रोडक्शन के साथ। कॉस्ट विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, राइट, लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी जो हो गई, डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको खर्चे बताए, वो सारे खर्चे क्या है, पीरियड कॉस्ट है। दे दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक वैल्यूएशन, दे आर रिटन ऑफ एज एन एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। मतलब ये रिकॉर्ड कैसे होते हैं, एक्सपेंसेस के तौर पर जिस पीरियड के साथ ये रिलेट करते हैं। मतलब सैलरी बंदे ने 12 महीने काम किया तो 12 महीने की सैलरी आपके बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। ये किस पीरियड के साथ लेट करती है, जिस पीरियड के साथ लेट करती है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगी। काम चाहे किया है अगले ने, नहीं किया, खर्चा तो रिकॉर्ड हो गई होगा।